टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर में निजी वाहनों का जमकर व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। डग्गा मार बस बेकाबू हो चली है और फिर रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही है, जिसके चलते न सिर्फ हादसों में इजाफा हो रहा है बल्कि इन वाहनों से दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आ रहे हैं। मगर ARTO कार्यालय है कि इनकी ओर से पूरी तरह आंखें मूंदे हुए हैं। हालांकि सवाल पूछे जाने पर विभाग अब ऐसे डग्गा मार वाहनों पर कार्यवाही करने का दम भर रहा है। यह बुलंदशहर का वो चौराहा है जो गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों को जोड़ता है और इस चौराहे के नाम है भूड़ चौराहा। खास बात यह है कि चौराहा ARTO ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, मगर फिर भी इस चौराहे पर हर दिन तकरीबन 100 ऐसे वाहन खड़े नजर आते हैं जो यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर उन्हें ऐसे वाहनों से लाते ले जाते हैं जो वाहन कमर्शियल में पास नहीं है। और जिस शख्स को आप यात्रियों को आवाज लगाकर बुलाते देख रहे हैं वो ऐसे ही एक वाहन से जुड़ा कर्मचारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ से हर रोज गाजियाबाद और नोएडा के लिए वाहनों का संचालन होता है, मगर उसके बावजूद भी न तो पुलिस द्वारा ही इन पर कोई बड़ी कार्यवाही की जाती है और न ही संभागीय परिवहन विभाग ही इन पर कोई बड़ी कार्यवाही करता है। बताया यहाँ तक जाता है कि इन वाहन चालकों से महीने की अवैध वसूली भी होती है। हालांकि कोई भी इस बात को लेकर कैमरे पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, मगर इस बात से कतई इनकार भी नहीं किया जा सकता कि सवारियों को भरकर हाईवे पर दौड़ाने वाले इन वाहनों की वजह से भी कई दुर्घटना होती है और लोगों की जान जोखिम में डालकर हाईवे पर दौड़ाने वाले इन वाहनों पर प्रशासन द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई जो नजीर साबित हो सके। यहाँ दौड़ने वाली कुछ डग्गामार बस तो हूबहू सरकारी रोडवेज बसों के रंगों में रंगी होती है, जिन्हें देखने के बाद कहा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ लोग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को सीधे तौर पर चूना लगा रहे हैं। हालांकि उप संभागीय परिवहन अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ऐसे वाहनों पर हम लगातार जुर्माने की कार्यवाही कर रहे हैं, मगर जिस तरह ARTO कार्यालय की नाक के नीचे अवैध ढंग से वाहनों का संचालन हो रहा है तो उसके बाद संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है। डग्गेमार वाहन जो चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। रोज डेली बसें जो है डग्गेमार बंद हो रही है, कल भी दो बसें हमने बंद की है और निरंतर इस पर कार्रवाई जारी है। डग्गेमार वाहन पर नहीं, गाड़ी बंद करते हैं, गाड़ी में जुर्माना करते हैं, गाड़ी छुड़ा लेता आदमी उसको दोबारा रोड पर दोबारा बंद करेंगे। नहीं, जुर्माना ही कर सकते हैं, जुर्माना हम कर रहे हैं गाड़ी पे बंद कर रहे हैं। उन्हीं पे करता रहा हूँ, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, उन पे जो होती नहीं बिना परमिट वही तो वही कार्रवाई हो रही है, उन्हीं पे वही डग्गा वाहन उन पे निरंतर कार्रवाई हो रही है। नहीं, रोज दो गाड़ी तीन गाड़ी रोज बंद होती है। जनपद बुलंदशहर के मेन चौराहे भूड़ चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरों में हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो डग्गा मार वाहन है वो लगातार यहाँ से नोएडा और गाज़ियाबाद और मेरठ के लिए सवारी लेकर जाते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ कार खड़ी हैं, ये अवैध रूप से यहाँ कार चलाई जाती हैं जबकि इनमें जो सवारियाँ भरी जाती हैं ज़रूरत से ज़्यादा इसमें सवारी भरी जाती हैं। जहाँ लॉकडाउन की अगर बात की जाए, कोरोना की महामारी की बात की जाए तो कोरोना को भी लेकर यहाँ कोई पालन नहीं किया जाता है। ARTO से जब इस मामले में हमने बात की तो उनका कहना है कि ऐसे वाहनों पर विभाग की तरफ से कार्यवाही की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ARTO की तरफ से कार्यवाही की जा रही है बावजूद इसके ये अवैध वाहन यहाँ से अभी तक क्यों सुचारू है। अगर बात की जाए पुलिस की तो वॉकिंग डिस्टेंस पर दो कदम की दूरी पर यहाँ पुलिस चौकी है, जबकि इतनी ही दूरी पर यहाँ से ARTO ऑफिस नज़र आपको आ जाएगा अगर हम दिखाएंगे तो। उसके बावजूद भी यहाँ से रोज़मर्रा के लिए सवारियों को लेकर नोएडा और गाज़ियाबाद के लिए निकला जाता है। सुनने में तो ये भी आया है, अगर लोगों की माने तो यहाँ पुलिस और ARTO विभाग को इस काम के लिए पैसा जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। मन चाहे पैसे लेते हैं और मन चाहे सवारियाँ इसमें बिठाकर ढोने का काम करते हैं।
खैर देखने वाली बात यह होगी कि हमारी इस खबर का संज्ञान लेकर आरटीओ विभाग किस तरह मुस्तैद होता है और किस तरह की कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार के साथ हामिद सैफी, 1034 न्यूज, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।